सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप पा सकें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो Samsung ने रिसेंटली अपना जो Android 11 और UI 3 का अपडेट लिस्ट है उसको अपडेट कर दिया है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि किन किन डिवाइसेस को अब Android 11 और UI 3 का अपडेट देखने को मिलेगा, कब तक देखने को मिलेगा, सब कुछ मैं डिटेल में आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। लाइक टारगेट हम लोग रखते हैं 70 लाइक आप लोग कंप्लीट कर दीजिएगा। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं टेक दोस्त। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है लेटेस्ट एंड्रॉयड 11 की अपडेट लिस्ट। यहाँ पर जो सबसे पहला डिवाइस है टैब S5e Wi-Fi, इसको मई के अंदर अपडेट देखने को मिलेगा। इसके अलावा A21s भी है जिसको ऑलरेडी अप्रैल में ही अपडेट देखने को मिल चुका है और यहां पर अभी भी ये अपडेट लिस्ट में ऐड है। इसके अलावा M40 है, इसको भी अप्रैल में ही अपडेट मिल गया था और ये भी यहाँ पर ऐड है। इसके अलावा A31 है जिसको जून के अंदर बताया जा रहा है। लेकिन जो ये अपडेट लिस्ट है, जितने भी डिवाइसेस हैं, जैसे यहाँ पर A21s है, M40 है, इन डिवाइसेस को अप्रैल के अंदर ही अपडेट देखने को मिल चुका है। M40 तो जून में था और इसको लगभग 1.5 से 2 महीने पहले ही अपडेट देखने को मिल चुका है। तो जो अपडेट लिस्ट है ये एक्सपेक्टेड अपडेट लिस्ट होती है, उससे बहुत पहले ही Samsung अपडेट दे देता है। तो यहाँ पर A31 है, इसको चांसेस हैं कि मई के अंदर ही अपडेट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा M11 है, ये जून में है लेकिन अब मई के अंदर ही चांसेस हैं कि अपडेट देखने को मिल जाए। M01 है, इसको भी रिसेंटली अपडेट मिला है एंड्रॉयड 11 का और ये भी अपडेट लिस्ट में ऐड है। इसके अलावा M01 कोर है, इसको जून में बताया जा रहा है लेकिन चांसेस हैं कि मई में ही अपडेट देखने को मिल जाए। इसके अलावा टैब A7 है, ये भी जून में है। A12 है, ये भी जून में है दोस्तों। तो जो डिवाइसेस जून में शेड्यूल हैं तो उन डिवाइसेस के चांसेस हैं कि मई में ही अपडेट देखने को मिल सकता है दोस्तों, क्योंकि अपडेट जो है वो Samsung काफ़ी फास्ट रोल आउट कर रहा है। इसके अलावा जुलाई में Samsung A30 है, टैब A10.1 वाईफाई है, इसके अलावा टैब S5e है। इन तीनों डिवाइसेस को जुलाई में बताया जा रहा है, जो कि चांसेस हैं कि जून तक अपडेट देखने को मिल जाएगा डिवाइसेस को। इसके अलावा अगस्त में A10 है, A10s है, A20 है, A20s है, A30 है। इसके अलावा टैब A8.0 LTE है, टैब A10.1 LTE है। इन डिवाइसेस को अगस्त के अंदर बताया जा रहा है और चांसेस हैं कि इन डिवाइसेस को जुलाई के अंदर ही अपडेट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा सितंबर में M10s है, टैब A8.0 वाईफाई है। इन डिवाइसेस को सितंबर के अंदर अपडेट बताया जा रहा है लेकिन इन डिवाइसेस को अगस्त के अंदर ही चांसेस हैं कि अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो यही है कंप्लीट अपडेट लिस्ट Samsung की तरफ से, जो कि रिसेंटली अपडेट होकर आई है। तो यही था आज की इस वीडियो में, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।